नमस्कार, मैं उप्रिया। आज है 17 अप्रैल। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार के 4 जिलों में घर घर जाकर कोरोना की स्क्रीनिंग हुई शुरू। बिहार के 4 जिलों सिवान, बेगूसराय, नालंदा, नवादा से लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, जिसके बाद अब सरकार ने इन 4 जिलों में घर घर जाकर कोरोना की जांच करवाना शुरू कर दिया है। यह प्रक्रिया 2 चरणों में अगले 8 दिनों में संपन्न कराई जाएगी। वहीं पूरे भारत में बिहार ऐसा पहला राज्य होगा जहां पर घर घर जाकर कोरोना से प्रभावित व्यक्तियों की जांच की जाएगी, जिसके तहत बिहार के वैशाली जिले के राघोपुर गांव में बीते दिन डॉक्टर्स की टीम पहुंची थी, जहां डॉक्टर्स ने घर घर जाकर लोगों की स्क्रीनिंग की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को सोशल डिस्टेंसिंग अपनाते हुए योजना बनाने का जारी किया आदेश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सभी अधिकारियों से योजनाओं पर काम करने का आदेश जारी किया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सभी अधिकारियों से सोशल डिस्टेंसिंग पर खास तौर पर ध्यान रखने की अपील की है। इसके तहत उन्होंने जल संसाधन विभाग को निर्देश दिया है कि प्रो एक्टिव होकर बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य को पूरा समय पर करवाया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने मनरेगा के तहत 1 एकड़ से कम क्षेत्र वाले तालाबों का निर्माण शीघ्रता से करवाने का आदेश भी जारी किया है। कोरोना से बचा रहे लोगों के साथ बुरा व्यवहार करने वालों को DGP ने दी नसीहत। कोरोना इस समय में सभी आम नागरिकों की परेशानी का सबब बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कोरोना की इस परीक्षा में लोगों को बाहर निकाल रहे सुरक्षा कर्मियों समेत अन्य कर्मियों के साथ सही से पेश नहीं आ रहे हैं, और यही कारण है कि अब DGP गुप्तेश्वर पांडे ने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए साफ तौर पर कह दिया है कि जो लोग ऐसा करेंगे उनको अब सलाखों की हवा खाने के लिए तैयार रहना होगा। वहीं DGP ने यह भी बताया कि औरंगाबाद में ऐसे 25 लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाया गया है। वैशाली में मिले कोरोना मरीज के गांव को किया गया बंद। हाल ही में वैशाली में मिले कोरोना मरीज के मिलने के बाद पूरे गांव को बंद कर दिया गया है। इतना ही नहीं, 32 लोगों को आइसोलेशन सेंटर में भी डाल दिया गया है, जिसमें उस मरीज के परिवार के 8 सदस्य शामिल है। हालांकि इस मरीज ने प्रशासन की परेशानी बढ़ा दी है, क्योंकि इस मरीज की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, और वहीं इसे खुद भी नहीं पता कि यह किसके संपर्क में आया है। कोरोना से रिकवरी होने वालों में बिहार 3रे नंबर पर। कोरोना के बढ़ते असर के आंकड़ों के बीच हाल ही में स्वास्थ्य विभाग ने आंकड़ा जारी किया है, जिसमें यह बताया गया है कि किन किन राज्यों में कितनी रिकवरी अभी तक हो पाई है। इसके तहत बिहार इस सूची में 3रे स्थान पर पहुंचा है, क्योंकि बिहार में रिकवर्ड हुए लोगों का आंकड़ा देखें तो बिहार में रिकवरी दर 30.0 से हुई है। वहीं बिहार के 38 जिलों में से कुल 12 जिलों में कोरोना प्रभावित मरीज मिले हैं। इनमें से सबसे ज्यादा मरीज सिवान से हैं। वहीं 26 जिले ऐसे हैं जो कोरोना से बिल्कुल ही अछूते हैं। तेजस्वी यादव ने डॉक्टरों पर पत्थर फेंकने वालों की लगाई क्लास। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अब ऐसे लोगों की क्लास लगाई है जो आए दिन डॉक्टर्स पर पत्थर फेंकने का काम करते हैं। इसके तहत उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि डॉक्टर स्वास्थ्यकर्मी ईश्वर का रूप है, उनके ऊपर पत्थर फेंकना भगवान के ऊपर पत्थर फेंकने जैसा है। पुलिसकर्मी और सुरक्षाकर्मी अभी अपनी जान की परवाह किए बगैर हम सबकी भलाई के लिए दिन रात लगे हुए हैं, ताकि हम सपरिवार सुरक्षित रहें, मगर आप उनकी परवाह नहीं कर रहे, बल्कि उनके खिलाफ ही इस तरह की हरकत पर उतारू हो गए हैं। महात्मा गांधी सेतु पुल से सिर्फ पास वाली गाड़ियों को ही मिलेगी एंट्री। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए पटना को उत्तर बिहार से जोड़ने वाले महात्मा गांधी सेतु पुल को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। खबरों की माने तो पटना सिटी SDO और एडिशनल SP ने महात्मा गांधी सेतु पहुंचकर पटना वैशाली जिले की सीमा को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। वहीं इसकी जानकारी देते हुए सिटी SDO ने यह भी साफ कर दिया है कि इस रास्ते से अब उन्हीं गाड़ियों को आने जाने की अनुमति मिलेगी जिनके पास प्रशासन द्वारा परमिशन मुहैया करवाई गई होगी। मनरेगा के अंतर्गत मजदूरों ने शुरू किया अपना काम। कोरोना के चलते देश भर में 3 मई तक लॉकडाउन लागू किया गया है। वहीं दूसरी तरफ सभी सरकारी योजनाएं पूरी तरह से बंद पड़ी हुई हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश के बाद सरकारी योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत प्रदेश के 285,000 मजदूरों ने काम करना शुरू कर दिया है। खबरों की माने तो यह सभी मजदूर मनरेगा योजना के अंतर्गत काम पर लगाए गए हैं। वहीं सरकार ने इन सभी मजदूरों से सोशल डिस्टेंसिंग का खास पालन करने की भी अपील की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया ऐलान, कृषि कार्यों पर कोई रोक नहीं। लॉकडाउन के आदेश के बाद किसानों की बढ़ती समस्या को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किसानों के हित में आदेश जारी करते हुए यह साफ कर दिया है कि कृषि कार्यों पर कोई रोक नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने सभी पैक्स से गेहूं की खरीदारी शुरू करने का ऐलान जारी किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ग्रामीण विकास विभाग, पथ निर्माण विभाग, PHD एवं लघु जल संसाधन विभाग अपनी योजनाओं को तेजी से क्रियान्वित करें, ताकि अगर 20 अप्रैल के बाद बिहार के कुछ शहरों को थोड़ी छूट दी जाती है तो हम काम की गति को बढ़ा सकें।
कोटा से पटना पहुंचे 15 छात्रों को किया गया होम आइसोलेट। बिहार सरकार के आपत्ति जताने के बाद भी राजस्थान सरकार मानने को तैयार नहीं हुई। उसके बाद 15 छात्रों को कोटा से पटना भेजा गया है, जिसके बाद उन सभी छात्रों के यहां पहुंचने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं प्रशासन ने एहतियात के तौर पर इन सभी 15 छात्रों को होम आइसोलेट कर दिया गया है। इसके तहत इनके घर के बाहर पोस्टर भी चिपका दिए गए हैं। खबरों की माने तो यह सभी छात्र पटना के VVIP के हैं। हालांकि प्रशासन की स्क्रीनिंग का पूरा ध्यान रखने के बाद ही इन्हें बिहार के अंदर एंट्री दी गई है। बंद की वजह से दूध उत्पादों की खपत हुई कम। केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन के आदेश के बाद बिहार के गया जिले से खबर सामने आई है, जिसके तहत लॉकडाउन के कारण पशुपालन एवं डेयरी उद्योग पर काफी ज्यादा असर देखने को मिल रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार के कृषि पशुपालन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने विभागीय सचिव डॉक्टर एन सर्वनन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की है। वहीं दूध के कलेक्शन एवं बिक्री के साथ ही पैकेजिंग मटेरियल डेयरी से जुड़े दूध उत्पाद की कम हो रही बिक्री पर भी चर्चा की है। वहीं प्रशासन का यह भी कहना है कि लॉकडाउन बढ़ने के बाद ही दूध की खपत अब आधी हो गई है। बिहार में इस बार 15 जून से दस्तक दे सकता है मॉनसून। कोरोना की हवा के बीच मौसम विभाग ने बिहार के लिए अपना पूर्वानुमान जारी किया है, जिसके तहत मौसम विभाग ने बिहार में इस बार 10 जून से नहीं बल्कि 15 जून से मॉनसून के आने की बात कही है। इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने यह भी साफ कहा है कि इस बार के मॉनसून में किसानों को काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि इस बार अच्छी बारिश होने के आसार जताए जा रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो इस बार मॉनसून के दौरान 88 सेंटीमीटर बारिश होने की उम्मीद जताई गई है। तेजस्वी यादव के बाद अब मंगल पांडे ने की लोगों से सही तरीके से पेश आने की अपील। तेजस्वी यादव के बाद बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सभी आम नागरिकों से आग्रह करते हुए सफाई कर्मी और सुरक्षा कर्मी के साथ तमीज में पेश आने की अपील की है। खबरों की माने तो मंगल पांडे ने तबलीगी जमात से जुड़े लोगों द्वारा बार बार सभी सुरक्षा कर्मियों के साथ बुरा बर्ताव करने को लेकर अपनी बात कही है, क्योंकि बिहार शरीफ में तबलीगी जमात के लोगों ने स्वास्थ्य कर्मी और पुलिस कर्मियों के साथ बुरा व्यवहार किया है। इसके आगे मंगल पांडे ने सभी लोगों से हाथ जोड़कर अपील की है कि वह इन लोगों का सहयोग करे और बनाए रखे। बिहार प्रशासनिक सेवा के 2 पदाधिकारियों का हुआ तबादला। बिहार सरकार ने बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का तबादला कर दिया है, जिसकी जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी करके दी है। वहीं खबरों की माने तो जिन अधिकारियों का तबादला किया गया है उनमें उद्योग विभाग के उप सचिव रंजीत कुमार और वशिष्ठ अनुभव पदाधिकारी जैनेन्द्र कुमार का नाम शामिल है। वैशाली और नालंदा में मिले कोरोना मरीज का निकला पटना कनेक्शन। बात बीते दिन की है, जहां पर वैशाली और नालंदा के मिले 2 मरीजों के पटना कनेक्शन होने की खबर सामने आई है, जिसके बाद पटना में एक बार फिर से कोरोना के फैलने की आशंका उत्पन्न हो गई है, जिसके बाद इन दोनों मरीजों द्वारा भ्रमण किए गए इलाकों को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। साथ ही उन जगहों पर रहने वाले लोगों को भी आइसोलेट कर दिया गया है। बिहार सरकार ने DGP से लेकर DM और SP को भेजा पत्र। बिहार सरकार के गृह विभाग के अपर सचिव अमीर सुभानी ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किया है कि कोरोना को लेकर भारत सरकार द्वारा दिए गए सभी दिशा निर्देश का पालन बिहार में करवाया जाए, जिसके तहत गृह मंत्रालय ने जिले के DGP SP समेत सभी वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र जारी कर दिया है। वहीं सरकार ने सभी अधिकारियों से नियमों का पालन करने की भी अपील की है। दूसरे राज्य में फंसे मजदूरों की मदद करने का सुशील मोदी ने किया दावा। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने हाल ही में लगभग 60,000 मजदूरों की फोन पर मदद करने का आश्वासन दिया है। वहीं उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी है कि दूसरे प्रदेशों में 6.67 लाख बिहारी अभी भी फंसे हुए हैं, जिन तक भी मदद पहुंचाने की सरकार पूरी कोशिश कर रही है। मदद मांग रहे सभी मजदूर से यह अपील भी की गई है कि वह लोग जहां हैं वहीं रुके, सरकार उनकी मदद जरूर करेगी। ज्ञात हो कोरोना के बढ़ते असर की वजह से अचानक से बंद के ऐलान के बाद जो जहां थे वहीं पर रह गए हैं। लॉकडाउन के बीच हुई एक अनोखी शादी। कोरोना के बढ़ते असर के बीच लॉकडाउन की परिस्थिति में एक अनोखी शादी करवाई गई है, जहां पर ना तो कोई बाराती था ना ही कोई बैंड बाजे की व्यवस्था करवाई गई थी, बल्कि सैनिटाइजर के साथ ससुराल पहुंचा था दूल्हा राजा। यह वाक्या बिहार के शेखपुरा जिले का है, जहां से बरबीघा के रहने वाले युवक ने शादी रचा ली है, जिसके लिए लड़के ने पहले बाकायदा शेखपुरा DM से परमिशन भी लिया था। वहीं इस युवक ने शादी में 3 लोगों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल भी रखा था। ललन कुमार ने की ऊर्जा विभाग में काम कर रहे असंगठित सुरक्षा कर्मियों को बीमा कराने की अपील। प्रदेश में कोरोना की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, वहीं कोरोना के रोकथाम को लेकर पूरे देश में लॉकडाउन का माहौल जारी है। इसी बीच युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ललन कुमार ने कहा कि ऊर्जा विभाग के विभिन्न इकाइयों में काम करने वाले संगठित और असंगठित कोरोना की परीक्षा से बाहर निकल रहे लोगों को राज्य सरकार 50 लाख का बीमा कराए, उनकी मेहनताना भी दोगुनी करे, ताकि वह सभी अपने परिवार का भरण पोषण ठीक से कर सके। इसके आगे उन्होंने कहा कि यह कामगार लगातार 24 घंटे काम कर रहे होते हैं और इन सब कोई सुविधा भी नहीं मिल पाती है।
तेज प्रताप यादव ने अपने जन्मदिन पर लिया मां से आशीर्वाद। लॉकडाउन के बीच तेज प्रताप यादव ने अपना जन्मदिन मनाया, जिसके तहत उन्होंने अपनी मां राबड़ी देवी से आशीर्वाद लिया। साथ ही जन्मदिन के शुभ अवसर पर अपने पिता को भी याद किया, जिसके तहत उन्होंने कहा कि आज मां का आशीर्वाद मिला है, इससे बड़ा तोहफा और क्या हो सकता है। वहीं ऐसे समय में पिता की कमी काफी ज्यादा खल रही है। वहीं इससे पहले भी तेज प्रताप यादव ने लालू प्रसाद यादव के लिए एक इमोशनल वीडियो शेयर किया था, जिसमें वह उनसे काफी ज्यादा मिस कर रहे थे और उनसे मिलने की आशा भी कर रहे थे। बीते दिन तक बिहार में कोरोना के मिले 11 पॉजिटिव मरीज। बीते दिन तक बिहार में कोरोना के 11 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसके बाद से सरकार सख्ते में आ गई है। वहीं बिहार में आंकड़े की बात करें तो यहां आंकड़ा 83 तक पहुंच चुका है। मिले सभी 11 पॉजिटिव मामले में 2 मामले बीते दिन सुबह को मिले थे, जो कि बक्सर के रहने वाले थे। वहीं बाकी 9 मुंगेर के हैं, जिसके बाद बिहार में कोरोना का स्तर धीरे धीरे बढ़ता दिखाई दे रहा है। वहीं प्रशासन ने मिले सभी मामलों के आसपास के इलाके को पूरी तरीके से बंद करने का ऐलान भी जारी किया है। सलमान खान ने बंद का पालन नहीं करने वालों को कही दो टूक बात। सलमान खान जब से कोरोना की हवा चली है, तब से आए दिन लोगों को जागरूक करने में लगे हुए हैं। वहीं उन्होंने हाल ही में एक सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने सभी से यह कहा है कि अब रियल लाइफ का बिग बॉस शुरू हो गया है। अगर नमाज पढ़नी है तो घर पर पढ़ो, पूजा करनी है तो घर पर करो। बचपन में यह पढ़ा था, भगवान हमें हर जगह दिखाई देते हैं। अगर परिवार के साथ अल्लाह और भगवान के घर जाना हो तो घर से बाहर निकलो। इसके साथ ही सलमान खान ने उन सभी लोगों पर आपत्ति भी जताई है, जो आए दिन सुरक्षाकर्मी और डॉक्टर्स के साथ सही तरीके से व्यवहार नहीं करते। गृह मंत्रालय ने कहा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जूम सुरक्षित नहीं। कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन में भारत समेत दुनिया के कई देशों में पॉपुलर हो रहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जूम को लेकर गृह मंत्रालय ने हाल ही में अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए इसका सावधानी से इस्तेमाल करने की अपील की है। साथ ही सभी अधिकारियों द्वारा आधिकारिक कार्यों के लिए इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं करने की नसीहत दी है। खबरों की माने तो सरकार की ओर से एडवाइजरी राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा एजेंसी कंप्यूटर ई रिस्पॉन्स टीम ऑफ इंडिया की ओर से इस ऐप को लेकर जारी की गई नई गाइडलाइंस के मद्देनजर आई है। जानिए आरोग्य सेतु ऐप क्यों है आपके लिए जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए राष्ट्र के संबोधन में अक्सर एक बात का जिक्र करते हुए देखा गया है, जिसमें उन्होंने बार बार आम नागरिकों से आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने की अपील की है। वहीं लोगों के मन में यह सवाल भी उमड़ने लगे हैं कि आखिर यह आरोग्य सेतु ऐप है क्या और कैसे काम करता है। तो हम आपको बताते हैं कि इस ऐप की खासियत यह है कि यदि आप ज्यादा संख्या वाली जगह पर भी हैं और आसपास कोई कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति है तो आपके मोबाइल का अलार्म बजने लगेगा। इतना ही नहीं, इस ऐप की मदद से अगर किसी व्यक्ति से 10 दिन पहले मिले थे और अब उसमें कोरोना के लक्षण आ गए हैं तो भी यह ऐप आपको संकेत दे देगा। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोरोना पॉजिटिव होने पर इस ऐप में ऑरेंज या येलो सिग्नल देने लगता है। आईपीएल को लेकर बीसीसीआई ने जारी किया अपना बयान। आईपीएल को लेकर के बीसीसीआई ने अपना अहम बयान जारी किया है, जिसके तहत बीसीसीआई ने साफ तौर पर इस साल आईपीएल के आयोजन को अनिश्चित समय के लिए स्थगित कर दिया है, जिसकी पुष्टि बीसीसीआई ने अब कर दी है। आईपीएल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हेमांग अमीन ने सभी 8 फ्रेंचाइजीज के मालिक को इस बात की जानकारी दे दी है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी साफ कर दिया है कि हालात सही होने पर ही आईपीएल के आयोजन के बारे में सोच विचार किया जाएगा। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है राजेश रंजन, रोशन कुमार, दया शर्मा, जितेंद्र कुमार, नंदन कुमार, अनिल कुमार, अक्षय कुमार, विनय यादव, शुभम कुमार, संतोष कुमार, धीरज कुमार, विपिन कुमार, अफजल हुसैन, ममता महतो। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए के आग्रह के बाद क्या आप सभी ने आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड किया है या नहीं। अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।